मदर को सोडियम डेफिशिएंसी हुई तो हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा. शी वॉज मैड लाइक एन थिंग, मतलब पागल की तरह एक्शन थी उसकी. दीवारें तोड़ जाती थी, ये करती थी, वो करती थी, मतलब वाइफ भी थी वहाँ पे. तो मैंने जब देखा तो मैं परेशान हो गया उसको देख के. उसको आइसोलेशन रूम में रखा हुआ था. स्वामी आए, का क्या हाल है माँ? वो हाथा जैसे ऐसे बैठी रही. इतने में क्या किया, उन्होंने विभूति निकाली, विभूति प्रोड्यूस करी, पूरे शरीर में लगा दी विभूति. और क्या ठीक हो जाएगी, डॉक्टर से भी कहा ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो. एंड शी वॉज ऑल राइट. आफ्टर फ्यू ईयर्स उनको ब्रेन हेमरेज हो गई बेंगलोर में. हम आ रहे थे, मेरी बहन मुन्नी और मेरी मदर, वो स्वामी के पास गए. वो स्वामी ने कहा इंटरव्यू में आना, अंदर बुलाया. 2 बजे ये गए उसके पास, 2 बजे दिन के उसने बुलाया उनको. वहाँ खाना खिलाया पिलाया तो सबको बोला. एक को बोला तू कब जा रही है? उसने कहा कल जा रही हूँ. उसने कहा परसों जा रही. फिर मदर की तरफ देखे, कहा अम्मा हम तो तुमको नहीं बोले जाने को. तो मदर बोली स्वामी मैं भी नहीं जाना चाहती, ये मुझे छोड़ती नहीं है, क्या करूँ मैं, ये जाना है कल, कहते हैं कल जाना है. तो बोले नहीं जाना चाहती हो? नहीं. तो मुन्नी इसका टिकट कैंसिल करो. ये 2 बजे की बात है, दिन के 2 बजे की बात है. उसके बाद थोड़ा सा रेन हो रहा था, उसको रेन में ले गए. उसको बोला भी जाओ अपने ड्राइवर को बोला जाके इनको छोड़ाओ कमरे पे. क्यों ही वो कमरे पे पहुंची वहाँ वो गिर गई, उसको अटैक हो गया. भागा भागा मुनि गई, स्वामी क्या करूँ, वो अस्पताल ले जाओ. On 12th I was expected to receive her here and take her. तो 11 की रात को ही टेलीफोन आया, मम्मी को हेमरेज हो गई है, अब वो नहीं आ सकते हैं, वो अस्पताल में है, अगर आना है आपको तो आपको आइए. मैंने आया ऑल्सो टू अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock फ्लाइट पहुँचा. मैं आई रीच देर अबाउट 11 o'clock. 11 बजे पहुँचा तो वहाँ मुन्नी की फ्रेंड थी वहाँ, उन्होंने कहा बाबा बेंगलोर गए हुए हैं, वो आ रहे हैं, तो ऐसा करो आप जाके बाहर दर्शन करो. मैं भाई मैं दर्शन वर्शन करूँगा नहीं, मैं माँ के लिए आया हूँ, उसकी दयालु है, वो दयाल भगवान है, उसको आना होगा, मेरे को रेस्पेक्ट करना होगा, मैं तो माँ मेरी ख़त्म हो रही है. तो वो आए, ऐसा हुआ 15 मिनट के बाद आवाज़ हो गई, स्वामी आ रहा है, स्वामी आ रहा है, स्वामी आ रहा है. मैं खुश हो गया, थैंक यू स्वामी यू हैव कम. आ गया, आते हुए कहा तुम कब आया? हम बोला स्वामी ये बोला तुमको टेलीफोन किया ना, तुमको बोला ना? हाँ स्वामी मुनि टेलीफोन पागल. फिर मादर की तरफ देखा, उसको हाथ बात विभूति लगाई. मेरे पास उस वक्त निकला उसके लिए, मैं कहा स्वामी इसने हमको जन्म दिया है, इसने हमको पढ़ाई कराया, इसने हमको सब कुछ किया है. नाउ शी इज़ ऑफ द एज दैट शी शुड गो पीसफुली. मैं चाहता हूँ आप इसको अच्छी तरह से भेजिए, या अच्छी तरह से वापस कीजिए ना अच्छी तरह से वापस ले जाइए. ये मैंने उसको कहा. ए पागल, अच्छा पागल, शी विल बी ऑल राइट. डॉक्टर हेगड़े की तरफ देखने लगा, कहने लगा ये ठीक हो जाएगी, इसको दवाई दो, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, नो ऑपरेशन नथिंग. और निकल गए. डॉक्टर हेगड़े मेरे पास आया, बोला साहब आप क्या, ये तो बड़ा एक्यूट केस है, आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा. मेरे डॉक्टर वो नया नया था, उसको पता नहीं था बाबा का. मैंने कहा डॉक्टर साहब सृष्टि चलाने वाला बोल रहा है ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत भरी, आप इसको दवाई दे दीजिए जैसे उसने कहा. और शी वॉज ऑल राइट. उन दिनों मैं कार खरीदता था, वहाँ जाता था, 2-4 साल चलाता था, फिर बेचता था, फिर यहाँ से एक और नई कार चला लेके जाता था. एक दिन मैं लेके आया गाड़ी. मैं पीतमपुरे में रहता था तो रात को दी थी गाड़ी, मतलब वर्कशॉप को ट्रैवल वर्दी करने के लिए. तो मैं सवेरे निकला 3-व्हीलर पे, जो ब्रिटानिया फैक्ट्री है उसके पास से साइड से एक ट्रक निकला, वो बड़ी स्पीड पे निकला. ओ ही कुड नॉट टेक अ शॉर्ट टर्न, वो ऐसा टर्न मारा कि सीधा हमारे स्कूटर 3-व्हीलर के साथ लगा. और हमें पता नहीं, हो आँखें खुली तो देखा मैं और ड्राइवर फुटपाथ पे पड़े हुए थे, बैठे हुए ऐसे बैठे हुए थे फुटपाथ पे, दोनों के दोनों, और स्कूटर के टुकड़े हो गए थे, वो रोल करके बहुत आगे गया था.
मैंने देखा मेरी अंगूठी थी, यहाँ दर्द कर रहा था उस अंगूठी, मेरे पास बाबा की दी हुई एक सिल्वर रिंग थी उस वक्त, जिसमें बाबा का बस था, वो दब उसमें एकदम उसकी तरफ देखा, दर्द हो गया। मैंने कहा स्वामी थैंक यू, उसमें डीप हो गया था, जो झरक जो जट उसका इफेक्ट था वो सब उसने उस अंगूठी ने ले लिया था। मैं कहा थैंक यू स्वामी। मिस्टर अभिमन्यु कोल है मेरा बेटा, वो चुटपट्टी में पढ़ता था, उसको बाबा ने पूछा, बाबा ने पूरा हॉल बता दिया कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। मिस्टर सूरी जो पुटपर्ति में है अभी, वो मिस्टर सूरी के साथ वो स्टेट प्रेसिडेंट था और मैं सेवादल स्टेट सेवादल कन्वीनर था, तो हम सवेरे से शाम तक सेवा ही करते थे। वो एक साल डेढ़ साल हमने सवेरे से शाम तक करते थे, और कैंप करता था मैं उन कैंप में। आपको उस कैंप में क्या हुआ कि मैं जाके उनको दो तीन दिन में कैप करता था, वहाँ पे बाबा के बारे में बताता, वैल्यूज़ के बारे में बताता था, और अल्टीमेटली मैं एंड में उनसे कहता था कि भाई हैज़ दिस वर्कशॉप हेल्प्ड यू, वो कहते थे हाँ साहब है, तो उनको कहता था अच्छा ऐसा करो, एक अपना अवगुण एक अपना बैड हैबिट आप कागज पे लिखो और इसमें आज से कहो हम प्रण करो कि हम छोड़ देंगे। और वो आते थे, मैं एक बच्चे को ला के उसको पूरा जलवाते था, वो ठीक ऐसा चलता था उसमें रूटीन। एक बार ऐसा हुआ बाय चांस मैं ऐसी जगह गया जिसका नाम पर्वता नारायणपुर है, तो वहाँ उस गांव में गया तो उधर लोग हुआ किया वर्कशॉप, नॉर्मली किया, बड़ा अच्छा वर्कशॉप था हुआ लोगों को। लैंड में जब मैंने कहा भाई इसमें तुम ऐसा कागज़ पर लिखो और करो, वह लिखा तो इतने में देखा क्या बीड़ी भी गिर रही है, तंबाकू गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, इसमें गोलियां भी गिरने लगी। अब जब गोली गिरने लगी तो मैं देख के घबरा गया, तो मैंने कहा, मैंने अपने साथी को कहा यार ये क्या मामला है, कहता साहब ये डकैतों का इलाका है, कोई डकैत है जो गोली डाल दिया इसमें। हम घबरा गए, भगवान ही जाने क्या होगा, स्वामी से प्रार्थना करी, उसको आग लगवा दी, फेंकवा दी। दूसरे दिन घर में बैठा वाइफ के पास आया, चार पांच आदमी हटे कटे, और मैं फैक्ट्री में था, तो वाइफ ने टेलीफोन किया भाई ऐसा है चार आदमी आए हैं जहाँ आप कल गए थे वहाँ से, वो बड़े खतरनाक हैं, खूंछू वाले हैं, तो आप आए, मैं क्या करूँ इनको, मैं कहा इनको बिठाओ मेरे से बात कराओ। मैंने बात करी, मैंने कहा बैठो मैं आ रहा हूँ। आया तो देखा वो चाय वाय पिलाई, बोला भाई क्या ठीक है भाई साहब, आपने बहुत कमाल कर दिया, आपने कल हमारे को फिला दिया, वो कह दिया उसने उस आदमी का, साहब अब वहाँ पब्लिक में आपको वो हम जो फेंकना चाहते हैं ना वो हम फेंक नहीं सके, वहाँ यहाँ लाए हैं आपके पास आप फेंक आपको देने के लिए। क्या है भाई, जाके देखा बाहर जीप में बंदूकें थी, शॉर्ट गन्स पिस्टल गन्स वगैरह ये थी। मैं कहे प्रभू स्वामी ये क्या कर रहे हो, मैं क्या करूँगा इसको। उस वक्त स्वामी की ऐसी दया, बस देखो इंस्टेंटेनियस रिप्लाई, एकदम से ख्याल आया गंगा में प्रवाहित कराओ। तो वो उनका घर जो है, वो गांव जो है, वो एक तरफ से गंगा आती है, इस तरफ कोसी आती है, उनका संगम है। तो मैंने कहा अरे कमाल है, मैं क्या करूँगा इसको, ऐसे करो गंगा तुमको जल देती है, कोसी तुमको अन्न देती है, जाके इसको उनके हवाले करो, भगवान भी खुश, गंगा भी खुश, कोसी भी खुश, तुम भी खुश, वहीं जाके दो ठीक है, आप अच्छा करें। और मान गए और ले गए और चले गए। चार पांच दिन के बाद तो मुझको ने जो उसमें सबसे टॉप था वो आया मेरे पास, कहा साहब मैं आपके साथ ही अब सेवा करूं, मैंने तो डकैती छोड़ दी अब मैं क्या करूं। अब वो मेरे साथ जाता था सेवा में, मतलब पांच सात उसने सेवाएं अटेंड की होंगी मेरे साथ, मैंने फाइव सिक्स वीक्स में। उसके बाद कहने लगा मुझे पुटपर्ति जाना है, मुझे बाबा से मिलवाओ, आप ही मिलवा सकते हो नहीं तो मैं बंदूक उठाऊंगा फिर। मैंने यार तू चुपचाप बैठ, मैं कोशिश करूंगा, मैं वहाँ बाबा, अब मैं उसको समझाता हूँ बाबा किसी से बात नहीं करता, बोला मैं नहीं जानता, मुझे अगर कोई आकर आप मुझे छुड़वा सकते हो तो मिलवा भी सकते हो। मगर स्वामी को प्रे करा मैं, स्वामी आपने आपकी दया, मैं एकदम से ख्याल आया बुलाओ उसको, मैं
चलो भाई चले, ले गया उसको। एज स्टेट सेवा दल कर्मी आई कुड गिव हिम जॉब, दे सकता था वहाँ ड्यूटी, मगर उन्होंने पुटपर्ती वालों ने उसको मंदिर में ड्यूटी दे दी। बिल्कुल मंदिर में रेत पे ही ड्यूटी दे दिया। अब उसने मुझे कहा था अगर भगवान ने मेरे साथ बात नहीं करी ना, मैं तो बंदूक उठा दूंगा फिर। तो इतने में बाबा निकला और सीधा उसके पास गया, पता नहीं उसको उसकी क्या किया बाबा ने। वो रोता रोता मेरे पास आया, कहता सौ पा मैं तृप्त हूँ, मैंने भगवान को देखा, मैंने भगवान पाया। ओ वो पागल हो गया था, एंड ही वॉज देन ट्रांसफॉर्म, डेकेड ट्रांसफॉर्म हुआ है भगवान के कृपा और साधन। तो ये शरीर हुआ तो करने वाला वही है, वही किया। अगर वो नहीं करता तो मैं क्या सामर्थ थी, मैं तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था। अरे मूछ वाला ठाल छः फुट आदमी, अब घबराहट हो रही थी, वो उसके सामने भी वैसे वही स्वामी का ये ऐसे ऐसे कई तमाशे उसने बाबा ने किए हैं। आपको बता दूं मैं, बिहार में जो साई मूवमेंट है इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम जमशेदपुर। जमशेदपुर में मिस्टर मनेल थे, मिस्टर बहुत सारे थे जो बाबा को पूजते थे, भजन करते थे। एक्चुअली जमशेदपुर वॉज द सेंटर ऑफ इन बिहार में, और कहीं नहीं था, जमशेदपुर में था। तो चूंकि मैं स्टेट सेवा दल हो गया था तो मुझे वहीं से एक्टिविटी शुरू करनी पड़ी। मैं राजा मंदिर वहाँ वो सारे उस इलाके में नवा मंडी वो वहाँ जगह सब जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसे हुआ, एक दोस्त को कहा चलिया चले तुम्हारा घर भी है वहाँ, वो मिस्टर हरिहरन, चलो वहाँ चलेंगे। कहा ठीक है चलो, बहु भजन भी हो जाएगा, उस लोगों से मिल के भी आएंगे। तो कुछ सेवा वगैरह भी होती थी तो मैं गया लेके वहाँ। तो किसी ने शाम को कहा मेरे फ्रेंड को ना, कहा यार यहाँ एक बंगालन है उसके घर में भगवान कृष्ण आता है। अगर भगवान कृष्ण को वो बोले भगवान बाबा उसको एक कृष्ण भेजता है, वो आप देखने वाला चीज़ है, भगवान का बहुत अच्छा श्राइन है वहाँ। मैंने उसने मुझे कहा जाओगे, मैं कहा चल चलेंगे भगवान का दर्शन करेंगे, होगा ऐसा तो चलेंगे। वहाँ हम गए, वहाँ एक बंगालन देखी भी डो थी और लेकर रो रही थी। मैंने कहा बहन क्या हो रहा है, वो बोली भैया मेरे को बाल गोपाल चला गया, बाल गोपाल नहीं आ रहा है, उसको बुला रही हूँ वो आ नहीं रहा, मान नहीं रहा। तीन दिन से वो कर रही थी। आपको कैसे बताऊँ कैसा कंपैशनेट भगवान है। हम जब उसके श्राइन में गए, उसने कहा श्राइन में जाओ, श्राइन में गए और वो रो रही थी। उसका रोने देखे हमको भी इमोशनली फील हो गया, हम भी वो भी करता प्रार्थना, मैं भी प्रार्थना स्वामी इसको। ऐसे करते करते मुझे ख्याल आया भजन गाएंगे, तो मैंने कहा स्वामी भजन गाएंगे आपके आप। उसने कहा गाओ भैया बेटा गाओ वो। खैर हमने जब भजन गाए, एक गाया दूसरा गाया या दूसरे तीसरे गाना में एकदम से ठप हो गया। उसके पास थाली थी, एक चांदी की थाली थी, उसमें बहुत सारी विभूति थी, उसी में आता था, उसी से गायब होता था। वो स्वामी के वो बाल गोपाल सात धातु का होता, अच्छा सुंदर सा बच्चा, इतना छोटा हाथ में मक्खन वाला वो होता है ऐसे, वो था। तो हमने कहा भाई, उसने कहा चला बाल गोपाल आ गया, बाल गोपाल आ गया। हम तो देखा आँख खोली मैंने, भजन गा रहे तो देखा वाकई वहाँ पर आया था। तो हमने वो देखा, तो वो भगवान का हमारी प्रार्थना, उस मैडम का रोना, कंपैशन नहीं तो क्या है। कितने दूर बैठ के एक ऐसे ऑर्डिनरी आदमी को जिसका कोई वजूद ही नहीं है इस संसार में, इस सृष्टि में, उसका प्रार्थना सुनना और जवाब देना। दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं जो स्वामी बहुत कम बात करता है, डायरेक्टली बहुत कम बात करता। अंदर भी आप इंटरव्यू रूम में हम जाते थे, वहाँ थोड़ी बातें करता था, अगर करेगा फॉरेनर्स के साथ ठीक से बात करता था, पर इंडियंस के साथ मैंने देखा वो बिल्कुल शॉर्टकट में का बात करता था। शायद इंडियंस ज़्यादा ही समझदार हों, मैं कह नहीं सकता, मगर ऐसा था बाबा के साथ। बाबा ये उनकी मतलब वर्किंग ही ऐसी है, मैं क्या बताऊँ, बता नहीं सकता। कोई बड़ी नो बड़ी कैन से अबाउट सच राय बाबा। आई टोल्ड यू
वो अल्टीमेट गॉडहुड है, उसको उसके बारे में कितना भी कहो, किताबें लिख लो, कुछ नहीं होगा, वो फिर भी थोड़ा ही रहेगा। मेरे एक फ्रेंड थे ओपी शर्मा, फायर ऑफिसर था वो हमारी कंपनी में, उसकी वाइफ जो है मेरे को भाई की तरह मानती थी। और एक दिन क्या हुआ, वो बेचारी जल गई, 90% बर्न थे, तो उसको अस्पताल ले गए। अब दिन भर वो उसका पति रहता था, शाम को मैंने उसको कहा, यार कमाल कर रहे हो, तुम दिन भर भी रहोगे रात को भी रहोगे, आई डोंट वांट दिस, तुम घर चला जाओ, मैं यहाँ पर रहूँगा, तुम रेस्ट कर लो, सवेरे आ जाना ले जाएंगे। उस दिन उसको बेहोशी में अंडर दैट कवर था, 24-25 घंटे हो गए थे। उस रात को मैं बैठा हुआ था, तो मैं बाहर बैठा था, एक फायरमैन रखा हुआ था उसको अंदर देखने के लिए, शी वॉज अनकॉन्शियस, बोलती नहीं थी। तो मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो इतने में मैं सिगरेट पे सिगरेट पी रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, मेरी नज़र पड़ी वो पूरे कॉरिडोर में, मेरे का 5-7 सिगरेट बट्स पड़े हुए थे, धुआं उठ रहा था उनसे। मैंने, यार कमाल है, अगर स्वामी आएगा, मैं प्रे कर रहा था, स्वामी आएगा तो मैं उसके पाँव में चोट लगेगी। मैं उठा, मैंने वो सिगरेट वगैरह बीच दूर करे और कपड़ा लेके उसको साफ किया सड़क को, और 20 मिनट के बाद वो अंदर से निकला, बाबा साहब साहब, मेम साहब जिंदा हो गई, हम मेम साहब बोल रही है, बाबा चला रही है। मैं उसको कहा, हट जा, तो मैं जाता हूँ अंदर। गया मैं, मेरे बाबा भी क्या बात है, बोला स्वामी खड़ा है, स्वामी खड़ा है, स्वामी ने मुझे बचाया, स्वामी दर्शन आज दे रहा है। मैं, स्वामी और क्या कह सकता था, मैं कहा स्वामी थैंक यू। प्रार्थना में मैंने उससे कहा था, स्वामी इसकी 4 लड़कियां हैं, एक लड़का है, छोटा है, और इसका कोई देखने वाला नहीं है, किसी की शादी भी नहीं हुई है अभी, भगवान के लिए प्रभु आपका, आपके सबसे दयावान है, आप इसके बचा लो, ये ड्यूटी करने दो इसको। वो ठीक हो गई, एंड यू वोंट बिलीव, 10 साल के बाद वो औरत चल के ही मरी। जब उसने चारों लड़कियों की शादी कर दी थी, बेटे की शादी कर दी थी, वो सारी ड्यूटी करके मर गई। ये है साईं बाबा, प्रार्थना का इफेक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम, क्या करते हैं आप, कंपेयर करते हैं इसको गुरु नानक एंड ऑल दैट, ही इज मच मोर बियॉन्ड, ही इज मच मोर बियॉन्ड विष्णु, ब्रह्मा एंड शिवा। ये हमारे साईं बाबा हैं। साईं बाबा को जिसने क्लोज से नहीं देखा, जिसने समझा नहीं, एक दिन कहा उसने, व्हेन यू से आई एम गॉड, दैट मीन्स आई एंड यू आर अब सेपरेट। उसने अहम ब्रह्मास्मि को भी कन्वर्ट कर दिया, उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि ठीक नहीं है, इट इज ड्यूअलिटी। इसने ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड द होल थिंग, ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन चेंज्ड बाय स्वामी विदाउट टॉकिंग टू देम, कुछ बात भी नहीं करे, देखा बस देखा, एक नजर डाली, पूरे अंतर उसके 17 जन्मों का हिसाब किताब ले लिया एक ही दृश्य में। मैं देखा वहाँ बड़े बड़े लोग, वो अपने जो प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा, वो भी चरण छू रहे हैं, इटली का वो आया प्राइम मिनिस्टर, वो भी चरण छू रहा है। मैंने एकदम सोचा, अरे हे प्रभु, आपके इतने वक्त हैं, करोड़ों वक्त हैं, हमारी क्या वक्त है, हम कहाँ हैं, हम आपकी हिस्ट्री में हैं, आपके लिस्ट में कहीं हैं। पता नहीं क्या हुआ, मेरे को ख्याल आया, मैंने चिट्ठी लिखी, बेटे की चिट्ठी में डाल दी। आई वॉज नोइंग दैट स्वामी जवाब नहीं देता, ऐसे जो उसने करना होता है वो कर जाता है, तो मैंने इतना ही कहा था, तू मुझे खाली इतना बता देना स्वामी ने क्या करा, मैं वह बता देना। इसने जवाब दिया, अब बेटे ने जवाब दिया कि भाई स्वामी आया मेरे पास और कहा मुझे चिट्ठी दो, बस ये जवाब आया। अब उसको, बेटे को तो पता ही नहीं लगा ही मैंने क्या करा, उसने क्या काम, अगर मुझे पता लग गया, उसने मुझे बताया कि मैं भी उसकी हिस्ट्री में हूं, उसने बताया कि वो मेरे दिल में है, वो यहां है। इससे मुझे ये निष्कर्ष लगाया कि उस शख्स ने, उस प्रतिमा ने, उस सुंदरता ने मुझे बता दिया कि बेटे
तुम मेरे बस में हो, तुम मेरे गोद में हो। और ऐसे ही पूरा संसार उसकी गोद में है, बस समझने की फेर है। लोग समझते नहीं, अभी जाते हैं सेवा करते हैं, कहते हैं हमने 50 आदमी को खाना खिलाया। 50 आदमी को तुम कौन खाना खिलाने वाले? खिला रहा है वो, तुम तो माध्यम हो यार। मिशन ये बाबा खसक जाए उस शरीर से, वो शरीर सड़ जाएगा सड़क में। बाबा ही है उस शरीर में जो कर रहा है, इसीलिए कहते हैं करने वाला भी वही। हम तो समझते हैं ना करने वाला नाम उसा मरता आदमी, तो उसकी लाश को कहते हैं भाई ये बॉडी है, बॉडी को हटाओ, बॉडी को जलाओ। उस वक्त कोई नहीं कहता ये सी क्यू कॉल है या ABCD है। उस वक्त उसको वो मतलब नाम भी उसी आत्मा का है, उसी प्रभु का है। सो सारे नाम, स्वामी कहता सारे नाम मेरे। अंडरस्टैंड इस रिलेशनशिप को, उनकी इस वाक्य को समझने की कोशिश करो। वो कैसे समझाते हैं, कहा सारे नाम मेरे हैं। अब कैसे हो गए सारे नाम मेरे? बताता है जिस वक्त वो नाम निकल जाता है अब शरीर से, शरीर डेड बॉडी है। सो नाम किसका, किया किसने, जिया कौन, वो नाम। ये 1972 की बात है, जब मैं वहाँ 1.5 महीना रहा था तो स्वामी आए, मेरे पास खड़े हो गए और गाली शुरू कर दिया, मतलब डांटना शुरू कर दिया। ऐसा यू ब्लडी यू काट, अंग्रेजी आधा हिंदी आधा बोल रहे हैं, और उसने मुझे दो के रखा। मैं ऐसे सोच रहा हूँ हे प्रभु, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अब तुम्हारा पेट खराब होता है, स्वामी को दोष देते हो, खाना होटल में खाते हो, स्वामी को दोष देते हो, स्वामी को बुरा कहते हो। अब सब लोग मेरे तरफ देखे ना, आंखें ना खा जाने वाली आंखों से, कि यार ये इस आदमी ऐसा है, बाबा को ऐसे कहता है। मैं सर नीचे करके बैठा रहा, सोचा यार ये भगवान क्या बोल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। मैं इतनी देर में बाबा निकल गए, इतना कह के फिर से कहते हुए निकल गए। इतने में एक आदमी आया मेरे पास, कहता है साहब ये आपको नहीं कह रहे थे, ये मेरे को कह रहे थे। और क्या हुआ? ना मेरे को 10 लगे हैं, मेरे को 10 लगे हुए हैं। मैंने कहा अब क्या करूँ मैं? मैंने कहा तो ऐसा कर, उसने कह दिया कैंटीन बनाया है, मैंने कैंटीन खा लो, बस कैंटीन खाने जाओ, खाना खा के आओ, शाम को मुझे मिलो। शाम को वो ठीक था, खाना कैंटीन में खाया था वो ठीक था। 75 में उनका 50th birthday था, 22 नवंबर को। उन्हें हे प्रभु मैं क्या दूंगा आपके पास, इतना ही ख्याल है। अरे स्वामी ने तो कहा है कि कोई अपनी चीज़ दो, वो यार सिगरेट दिया है उसने मेरे को, सिगरेट बैड है बेटा है, ये मैं दूंगा। मैं जाके सिगरेट पैकेट मैचेस सब कुछ भगवान के दरवाजे पर रख दिया,